हरे कृष्णा, मैं राधा मोहिनी मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर जुहू से आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारी आज की चर्चा का विषय है, इस संसार में इतना दुख क्यों है, इतने लोग दुखी क्यों हैं। इसका उत्तर जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है, दुखी कौन है और यह संसार क्या है। हम सब दुख का अनुभव करते हैं, कभी कभी सुख का अनुभव करते हैं। हर जीव आत्मा को सुख और दुख का अनुभव होता है और इस संसार में कोई भी सदैव सुखी नहीं रह पाता है। तो आइए जानें कि हम कौन हैं और हम दुखी क्यों हैं इस संसार में। हम सब आध्यात्मिक जगत की चिन्मय तत्व हैं, हम सब आत्मा हैं, हम सब आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और आध्यात्मिक जगत में सब कुछ सत्चित आनंद होता है, सनातन होता है, ज्ञानमय होता है, आनंदमय होता है। वहाँ पर सभी जीवात्माएं भगवान की सेवा करके प्रसन्नता से रहती हैं, आनंदमय रहती हैं। परंतु कुछ जीवात्माओं को भगवान की सेवा न करके स्वतंत्र रूप से इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा उत्पन्न होती है और आध्यात्मिक जगत में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही भगवान ने इस भौतिक जगत का निर्माण किया है। आध्यात्मिक जगत में जितने तरीके से भोग करने की इच्छाएं उत्पन्न हुई भगवान से स्वतंत्र होकर, उतनी योनियों का यहाँ पर ब्रह्मा जी ने रचना की, अर्थात 84 लाख योनियों की रचना की। और जिन जिन जीव आत्माओं को जिस जिस तरीके से भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करने की इच्छा थी, उन्हें इस भौतिक जगत में भेज दिया गया और वे अपनी अपनी योनियों में जाकर के इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करने का प्रारंभ करती हैं, सुख भोग करने का प्रयास करती हैं। और ये जो 84 लाख योनियां हैं, यह चेतना के विकास के स्तर पर बांटी गई हैं। इतने तरीके की इच्छा पूर्ति के प्रयास जीवात्माएं अपनी अपनी योनियों में इस संसार में कर रही हैं। परंतु यह जो संसार है, यह एक जेल की तरह है, आध्यात्मिक जगत का जेल। जैसे कि किसी शहर में काफ़ी बड़ा हिस्सा नियम पालन करने वाले नागरिकों के लिए स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करने के लिए उपलब्ध होते हैं, परंतु एक छोटा सा हिस्सा 100 किलोमीटर के शहर में, एक छोटा सा हिस्सा 2 से 5 किलोमीटर का हिस्सा जेल बना दिया जाता है, जहाँ पर शहर के नियम कानून को न मानने वालों को अदालत के माध्यम से सज़ा सुनाई जाती है और उन्हें अपने निर्धारित कार्य को, काल को उस जेल में रहकर बिताना होता है, ताकि वे प्रायश्चित करें और अपनी गलतियों को सुधारें और उसके बाद पुनः आकर के इस स्वतंत्र रूप से शहर में रह सके। उसी तरह आध्यात्मिक जगत की जेल यह भौतिक जगत है। यहाँ पर हमें इंद्रिय तृप्ति के कुछ साधन उपलब्ध हैं, परंतु जो इंद्रिय तृप्ति होती है, जो सुख मिलते हैं, वे क्षणिक होते हैं।
हमें सच्चा सुख, सच्चा आनंद, चरम आनंद नहीं मिल पाता, क्योंकि ये बनाया है इसी तरह से गया है। भगवान भागवत गीता में कहते हैं, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। यह जो भौतिक जगत है ये अशाश्वत है और दुख का आलय है। यदि इसमें सारी सुख सुविधाएं की वस्तुएं मौजूद हो जाएं और जीव आत्माओं को हमेशा आनंद आते रहे, तो वह इस भौतिक जगत के जेल से छूटकर आध्यात्मिक जगत जाना ही नहीं चाहेगा। तो इस भौतिक संसार में सदैव सुख की इच्छा करना, यह इच्छा ही एक गलत इच्छा है। हमें इस पूरी सृष्टि को समझना चाहिए कि भौतिक सृष्टि की रचना जेल की तरह है, जिसमें हम अपने गलतियों का एहसास करें। हम भगवान से बिछड़े हुए जीव हैं, भगवान से अपना टूटा हुआ जो संबंध है उसे पुनः स्थापित कर सके, जो हमारा भगवान से वियोग हुआ है उसे दोबारा योग प्राप्त कर सके। तो भगवान ने भागवत गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से सारे मनुष्य योनियों को यह संदेश दिया है कि यह भौतिक जगत क्या है, हम सब जीव आत्मा क्या हैं, भगवान कौन है और हमारा कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है। तो भगवान ने भागवत गीता के माध्यम से विस्तार रूप से इस ज्ञान को दिया है। हमें भगवान से अपने संबंध को जानना है, संबंध को जोड़ना है, योग करना है और भगवान के पास जाने के लिए भक्तिमय कर्म करने हैं। इस भौतिक जगत में सदैव सुख की आशा रखना यह एक गलत आशा है। यहाँ पर दुख सदैव हर क्षण मिलते ही रहेगा। यहाँ पर किसी को अनायास नहीं सताया जाता है। जिन जिन भौतिक जीवों ने जो जो कर्म किए हैं उसी के कर्म फल के रूप में ही उसे दुख मिलते हैं। हमने यदि किसी भौतिक जीव को पहले कभी दुख पहुंचाया होगा तो वह आज आकर के हमें दुख देगा, हमारे दुख का कारण बनेगा। इस दुख को आदि भौतिक दुख कहते हैं। इसी तरह यदि बहुत से लोगों ने मिल करके बहुत से लोगों को सताया होगा तो प्रकृति इसका निर्णय करती है और आंधी, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, इस तरह से वह एक साथ कई लोगों को सजा देती है, मास पनिशमेंट देती है। इसे आदि दैविक समस्याएं कहते हैं। तो ये आदि भौतिक और आदि दैविक समस्याएं हर जीव को अपने कर्म के फल के हिसाब से आती है और भगवान चाहते हैं कि हम इन समस्याओं को समझें, साथ ही आत्मा की समस्या को समझें कि आत्मा जो कि सनातन वस्तु है उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है, शरीर को बीमार होना पड़ता है, शरीर को बुढ़ा होना पड़ता है, बुढ़ापा आता है और फिर मृत्यु प्राप्त होती है और हर चीज़ में दुख है। तो भगवान कहते हैं भागवत गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि हमें इन दुखों को देखने का प्रयास करना चाहिए, जन्म का, मृत्यु का, जरा का, बीमारी का, बुढ़ापे का, और हमें इस भौतिक जगत से सुख की इच्छा न करके भगवान की सेवा करते हुए, भगवान का संबंध स्थापित करते हुए, मरते समय भगवान को याद करते हुए प्राण त्यागना है और भगवत धाम वापस जाना है। आज हमने जाना कि यह संसार क्या है, यह दुख क्यों मिलते हैं और इन दुखों से हम कैसे सदैव सदैव के लिए छुटकारा पा सकते हैं। हरे कृष्णा।